पेपर लीक मामले को लेकर सदन के अंदर पुरजोर शब्दों के अंदर उठाया। पूरा राजस्थान जानता है, पूरा देश जानता है कि पेपर लीक के मामले में सबसे सख्त कानून हम लेकर आए। पेपर लीक करने वालों को हमने पकड़ा, जेल भेजा। इस मुद्दे को सरकार इसलिए सीबीआई को नहीं देना चाहती कि इसमें कई बड़े मगरमच्छ गिरफ्त में आने की संभावना है। सीबीआई तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो केंद्र सरकार की जो एजेंसी, हमारी एजेंसियों में कोई कमी है क्या? सबको पकड़ लिया। पेपर लीक मामले को लेकर सदन के अंदर पुरजोर शब्दों के अंदर उठाया। हम सरकार से सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि आप भेदभाव कार्रवाई करना बंद करें, जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। जारोले ने कहा था कि राजनीतिक संरक्षण में पेपर आउट हुआ है, जारोले की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? जारोले से पूछताछ होनी चाहिए कि राजनीतिक संरक्षण किस व्यक्ति का था। वो व्यक्ति भी जेल की सलाखों के पीछे हो, मछलियों को पकड़ने से कुछ नहीं होगा, मगरमच्छों को जेल की सलाखों के पीछे डालने की आवश्यकता है। और जो व्यक्ति राहुल गांधी की सभा में कदम से कदम मिला के चल रहे थे, सरकार ने उनकी गिरफ्तारी की है, तो आप उनकी कॉल डिटेल इस बात से भी निकलाओ कि उन लोगों का संपर्क किन किन राजनेताओं से है, किन किन अधिकारियों से है, वो भी जेल के सलाखों के पीछे चले जाएं और आगे भविष्य के अंदर इस तरीके की पुनरावृत्ति नहीं हो, इस तरीके का डर पैदा करने की आवश्यकता है। पूरा राजस्थान जानता है, पूरा देश जानता है कि पेपर लीक के मामले में सबसे सख्त कानून हम लेकर आए। पेपर लीक करने वालों को हमने पकड़ा, जेल भेजा। पेपर लीक तो जब बीजेपी की सरकार थी तब रोज होते थे, यूपी में हो रहे हैं, एमपी में हो रहे हैं, हाईकोर्ट के पेपर हो रहे हैं, बड़े बड़े पेपर हो रहे हैं, केंद्र सरकार के पेपर हो रहे हैं, केंद्र के एग्जाम हो रहे हैं। लेकिन बीजेपी से ये बताओ कि बीजेपी को डिस्कस करना चाहिए अंदर कि उनकी केंद्र में बीजेपी की सरकार है, उनके 25 एमपी फेल हो गए पूरी तरह से, केंद्र की बीजेपी ने कुछ किया नहीं। ईआरसीपी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री जी ने जो वादा किया वो आज तक पूरा नहीं हुआ, राजस्थान को कुछ मिला नहीं, महंगाई पर कोई डिस्कस नहीं करना चाहता, क्रूड ऑयल सस्ता हो गया, पेट्रोल डीजल उतना ही महंगा है। सरकार सीबीआई जांच तुरंत देने का काम करती है उन मुद्दों पे जो मुद्दे सरकार के अनुकूल लगते हैं, सरकार को अच्छा लगता है। तत्काल अलवर के मामले को सीबीआई को हैंड ओवर की, जबकि किसी ने मांग भी नहीं की थी। इस मुद्दे को सरकार इसलिए सीबीआई को नहीं देना चाहती कि इसमें कई बड़े मगरमच्छ गिरफ्त में आने की संभावना है, जिसमें राजनीतिक व्यक्ति भी हैं, जिसमें बड़े बड़े अधिकारी भी हैं। बिना बड़े अधिकारी और राजनीतिक संरक्षण के इतनी हिम्मत और हिमाकत उन लोगों की नहीं हो सकती। आज तो जो लोगों को बुलाया जाए, इन नेताओं को और अधिकारियों को भी कटघरे में खड़ा करो। जो लोग इन इंस्टीट्यूटों में जाते थे, इनके साथ बैठते थे, इनके इनके संबंधित थे, घनिष्ठ संबंध थे, उन सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सीबीआई क्या है? सीबीआई तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो केंद्र सरकार की जो एजेंसी, हमारी एजेंसियों में कोई कमी है क्या? सबको पकड़ लिया। बोला राजस्थान के जो पुलिस वाले जिन्होंने पेपर लीक करने वालों को पकड़ा, उनको डिमोरलाइज कर दें, ये कभी होता है? मतलब सीबीआई कर देगी, हमने तो सबको गिरफ्तार कर लिया। और यदि फिर आपके पास कोई नाम है तो आज बीजेपी से मैं कहूंगा सब गिरफ्तार हो गए। बीजेपी यदि ये कहती है कि मुख्यमंत्री के बयान से वो सहमत नहीं है, तो बीजेपी को मेरा चैलेंज है, भारतीय जनता पार्टी नाम टेबल करे। यदि उनके पास कोई नाम है तो नाम टेबल करे आज विधानसभा में, लेकिन नाटक नहीं करे। बीजेपी नाटक करना बंद करे। यदि आपको मुख्यमंत्री के बयान से तकलीफ है, मेरे बयान से तकलीफ है, कांग्रेस के नेताओं के बयान से तकलीफ है, तो टेबल करो विधानसभा में, हम तैयार बैठे हैं। लेकिन बीजेपी का नाटक नहीं चलेगा। बीजेपी फेल हो गई केंद्र सरकार में, इसलिए अपने पापों पर पर्दा डालने के लिए बीजेपी जो मुद्दे नहीं उनको मुद्दा बनाना चाहती है।